आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हनुमान जयंती पूजा विधि। ये लोग तो सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान ने शिव के 11वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। हनुमान जी की पूजा हर सप्ताह प्रत्येक मंगलवार को ही की जाती है। कई भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हेतु के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से राहु और शनि ग्रह के दोष भी खत्म हो जाते हैं। हर साल हनुमान जी को जन्म दिवस के रूप में हनुमान जयंती मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में यह त्योहार हर साल चैत्र पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी के जन्मदिन के मौके पर रात्रि के समय हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको हनुमान जयंती की पूजा विधि बताएंगे। हनुमान जयंती के लिए पूजा सामग्री का सामान जो जो आप लोगों को चाहिए है वह कुछ इस प्रकार है। एक चौकी, एक लाल कपड़ा, भगवान राम की मूर्ति या फोटो, एक कप अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल या कुछ तुलसी के पत्तियां, एक धूप, घी से भरा हुआ एक दिया, कुछ ताजे फूल, चंदन या रोली, गंगा जल, नैवेद्य यानी कि गुड़ और भुने हुए चने। संपूर्ण सामग्री को लेकर पूजा घर में इकट्ठा करें और फिर एक चौकी पर अच्छी तरह से लाल कपड़ा बिछा दें। चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो लगाएं। ध्यान रहे कोई भी पूजा भगवान गणेश की कृपा के बिना और उनको नमन किए बिना नहीं पूरी होती है। तो दिया और धूप सबसे पहले आप गणेश भगवान के सामने प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को दिया और धूप से पूजा करें, उनका मंत्र उच्चारण करें, फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें और उनका आवाहन करें। हनुमान जी को दीप और दिया दिखाएं, धूप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, जल अर्पित करें, गुड़, चना, सिंदूर, लड्डू और बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार के बाद तुलसी जरूर चढ़ाएं, हनुमान जी के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही चावल भी लगाएं। हनुमान जी को केसरिया रंग के वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद हनुमान जी का मंत्र ओम हनु हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट का 108 बार जप करें। मंत्र का उच्चारण करते समय हनुमान जी के सामने मेडिटेशन वाली मुद्रा में आ जाए। मंत्रोच्चारण के बाद हनुमान जी से पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी की पूजा विधि के अनुसार हाथ में कुछ फूल लें और चावल लें और अंजनी पुत्र से कहें कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे घर में पूजा ग्रहण करने के लिए आए। इसके बाद प्रसाद को ग्रहण करें और अपनी दिव्य जगह पर निवास करें। हनुमान जी की पूजा विधि के अनुसार आप लोग हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण का जप करें और भगवान श्री राम का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उसके बाद सबसे अंत में हनुमान जी की आरती पढ़कर हनुमान जी का जो जयंती, हनुमान जयंती वाली जो पूजा है उसको अच्छे से समापन करें।